वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रदीप दवे। आज हम एक अकाउंटेंसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए, जो कॉमनली आरबीएससी एंड सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट दोनों के लिए उपयोगी है। गैर लाभकारी संस्थाएं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लाभ नहीं कमाना, वे संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। क्या है वे संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर केवल सेवा करना, सर्विसेज देना है। यानी कि उनका कार्य क्या है, केवल सर्विसेज देना। उन काम के लिए किसी प्रकार के लाभ का उद्देश्य नहीं रखते हैं, लाभ की कामना नहीं रखते हैं। केवल केवल उनका उद्देश्य क्या होता है कि लोगों की सेवा करना, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाना। ठीक है, वो संस्थाएं देखो कौन कौन सी हो सकती है। देखिए, अमूमन अपने सोसाइटीज में देखते, क्या देखते अपन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, ये संस्थाएं क्या देखते, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, ये सब क्या है, संस्था, इंस्टीट्यूशन है। इनका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना नहीं होता है उनको। इनके द्वारा कुछ न किसी प्रकार की क्या करना है, सेवा प्रदान करना है। स्कूल एंड कॉलेजेस क्या करती हैं, ये दोनों संस्थाएं क्या करती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है लोगों को। क्या करवाती है, सोसाइटीज को एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाती हैं, एजुकेशन के द्वारा किसी न प्रकार का लाभ कमाना नहीं होता है। वह एजुकेशन के द्वारा एक भावी समाज का निर्माण करते हैं, निर्माण करने का उद्देश्य रखती है। ठीक है, हॉस्पिटल क्या है, लोगों को गुड हेल्थ प्रोवाइड करवाना। स्पोर्ट्स क्लब, अच्छे अच्छे प्लेयर्स बनाना, लोगों की सेहत का ध्यान रखना, इस प्रकार का होता है। अब देखो, स्कूल्स क्या करते हैं, स्कूल एंड कॉलेज क्या करते हैं, शिक्षा, यानी कि बुक्स खरीदती हैं, बुक्स को खरीद कर अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाती हैं। इन बुक्स के द्वारा क्या होता है, लोगों, स्टूडेंट को नॉलेज मिलता है। क्या मिलता है, नॉलेज, ज्ञान मिलता है। हॉस्पिटल्स अलग अलग फैसिलिटीज के द्वारा क्या करती हैं, हेल्थ प्रोवाइड करवाती है स्पोर्ट्स क्लब। अब देखो ये क्या करती हैं, इनका फर्स्ट देखो क्या होता है इन सबका। अब मैं आपको बताऊं इनके मुख्य तौर पर क्या क्या होता है। देखो ये क्या करवाते हैं, देखो इनके मुख्य तौर पर इनकम ऑप्शन, देखो एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करती है, देखो एक्सपेंडिचर कहाँ करेगी, एक्सपेंडिचर खर्चे कैसे करेगी, स्पोर्ट्स क्लब किस किस प्रकार करती हैं। आप देखो इस कॉलेज या स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टडी पे, ठीक है, ये करेगी गुड हेल्थ पे, और स्पोर्ट्स क्लब क्या करेगा, स्पोर्ट्स क्लब करेगा गुड प्लेयर बनाने में, गुड प्लेयर्स बनाने में, लोगों को सेहत के लिए खर्च करती है। ठीक है, अब देखो सबसे अधिक क्या होता है, ये सब मिलाकर समाज के अभिन्न अंग है। इनके द्वारा ही समाज के अंदर क्या होता है, सेवा भावी रहते हैं। स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स क्लब, ये कभी भी किसी प्रकार क्या उद्देश्य नहीं रखते कि प्रॉफिट हो, क्या हो, प्रॉफिट हो। आप देखो इनके, देखो क्या क्या करते हैं इनके खर्चे, देखो सैलरीज स्कूल एंड कॉलेजेस अपने टीचर्स को क्या देती हैं, सैलरीज देती है, क्या देती हैं, सैलरीज देती हैं। इसके अलावा खूब सारे एक्सपेंसेस होती हैं अपने स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए, एंड सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, सर्विस प्रोवाइड। ठीक है, हॉस्पिटल क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड पर खर्च खर्च करती हैं। अब देखो इनकी मुख्य तौर पर इनकम ऑफ सोर्सेस क्या रहेगा, इनकम ऑफ सोर्सेस। अब देखो इनकी मुख्य तौर इनकम होती है मेंबरशिप, क्या होती है, मेंबरशिप, जो सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फी, सदस्यता शुल्क, एडमिशन फी,
प्रवेश शुल्क, ठीक है। इसके अलावा डोनेशन, दान। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन, चंदा। इनके द्वारा क्या करती हैं, ये अपनी इनकम को ग्रोथ करती है। इनके द्वारा क्या करती हैं, इनकम, क्या करते हैं, इनकम। अब देखो, मेंबरशिप फीस, एडमिशन फीस, डोनेशन और सब्सक्रिप्शन। अब देखो, किसी भी संस्था का सदस्य बनने के लिए क्या करती हैं ये संस्थाएं, मेंबरशिप फीस लेती है सदस्य बनने के लिए। अब देखो, कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब है, एक ट्रस्ट, धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा, किसी ट्रस्ट के द्वारा या ग्रुप के लोगों को, मेंबर ग्रुप के लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है, तो उनको उस समूह का मेंबर बनने के लिए एक फी देनी पड़ती है, उसे बोलते हैं मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस है ना, आपकी मंथली भी हो सकती है, ठीक है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, ईयरली और लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। यानी कि अलग अलग व्यू के अंदर मेंबरशिप फीस ली जाती है। एडमिशन फीस, स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के समय जो फी ली जाती है, स्टूडेंट से फी ली जाती है, वो एडमिशन फी होती है। इस एडमिशन फी का क्या मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कि एक चीज सर्विस प्रोवाइड कराना, डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, यानी कि अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, स्टूडेंट के अंदर क्या करना, डेवलपमेंट करना। इस एडमिशन फीस के द्वारा टीचर की सैलरीज दी जाती हैं और अदर प्रकार की क्या सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। डोनेशन, 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 देखो डोनेशन दो प्रकार हो गए, नॉर्मल एंड स्पेशल। डोनेशन नॉर्मल भी मिलता है वो डोनेशन कहलाएगा, और स्पेशल फंड यानी किसी विशेष कार्य के उद्देश्य के लिए अगर डोनेशन दिया जाएगा वो स्पेशल डोनेशन कहलाएगा। डोनेशन वापस, डोनेशन को दो भागों में बांटा हमने, डोनेशन को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में, ठीक है, नॉर्मल एंड स्पेशल। अब देखो, नॉर्मल डोनेशन होगा ना, वो होगा अपना रेवेन्यू, इसे बोलेंगे आयगत प्राप्ति, और स्पेशल बोलेंगे पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। डोनेशन दो प्रकार के, नॉर्मल एंड स्पेशल। जो नॉर्मल डोनेशन होगा ना वो अपनी जाएगा आयगत प्राप्ति में जाएगा, और स्पेशल डोनेशन होगा ना वो पूंजीगत प्राप्ति में जाएगा। क्यों, स्पेशल डोनेशन किसी एक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए एक साथ दिया जाता है, क्या जाता है, एक साथ दिया जाता है, एक मुश्त में दिया जाता है, एक मुश्त के अंदर अमाउंट दिया जाता है, एक मुश्त के अंदर अमाउंट दिया जाता है ना, वो अपना क्या कहलाएगा, स्पेशल डोनेशन। सब्सक्रिप्शन सबके, ये हमेशा क्या वर्ष में एक साल का लगातार मिलता रहता है, तो सब्सक्रिप्शन अपने ज्यादा किस में जाता है, आयगत प्राप्ति में जाएगा, आयगत प्राप्ति। इस सब्सक्रिप्शन की क्या नेचर क्या है, आयगत प्राप्ति है, क्योंकि ये एक साल के अंदर, एक वर्ष भर के अंदर कंटिन्यू प्राप्त होता रहता है किसी न किसी प्रकार से सब्सक्रिप्शन। जबकि डोनेशन दो भाग हो गया, नॉर्मल एंड स्पेशल, ठीक है। अब देखो, इस लेक्चर में क्या सीखा कि गैर लाभकारी संस्था क्या होती है, गैर लाभकारी संस्था क्या होती है, वे संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर सेवा करना होता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स क्लब्स। अब देखो, स्कूल कॉलेज है क्या, हम स्टडी प्रोवाइड करवाना, हॉस्पिटल के इनका गुड हेल्थ प्रोवाइड करवाना, और गुड प्ले स्पोर्ट्स क्लब का। अब देखो, ये खर्च कहाँ करती हैं, सैलरीज एंड सर्विस प्रोवाइड किसको कराती हैं, सर्विस प्रोवाइड मेंबर्स, एंड सोसाइटीज। ये सर्विस किसको प्रोवाइड कराती हैं, ये ग्रुप मेंबर को एंड सोसाइटीज को वो सर्विस प्रोवाइड कराने में खर्च करती है, ठीक है। इसके अलावा इनकम इनसे कहां से प्राप्त होती है, मेंबरशिप फीस, एडमिशन फीस, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब देखो, मेंबरशिप फीस क्या हो गया, किसी ग्रुप का सदस्य बनने के लिए एक निश्चित राशि ली जाती है, ठीक है ना, वो चार पांच भागों में, मंथली, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली हो सकती है,
इसकी लाइफ टाइम भी हो सकती है। इस प्रकार से एक मुश्त राशि, एक निश्चित राशि लेकर इस ग्रुप का, इस समूह का क्या बनाया जाता है, सदस्य बनाया जाता है। एडमिशन फीस, देखो एडमिशन फीस क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि कॉलेज, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स या स्पोर्ट्स क्लब, चारों के अंदर जब आपका एडमिशन होता है, हाँ हॉस्पिटल के एडमिट कहा जाएगा, भर्ती होना, ठीक है ना, इन दोनों के अंदर एडमिशन लिया जाता है, तब एक निश्चित राशि, एक छोटी सी राशि होती है वो ली जाती है, वो एडमिशन फीस के रूप में। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, डोनेशन दो पावो, नॉर्मल डोनेशन एंड स्पेशल डोनेशन। नॉर्मल डोनेशन क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा अमूमन दान दिया जाता है, एक बार दान दिया जाता है, बात खत्म, ठीक है, वो बाद उस रिगार्डिंग वापस नहीं मिलता है। और सब्सक्रिप्शन स्पेशल डोनेशन, किसी जैसे कि एक अपने अपने कॉलेज एंड स्कूल की बात करें, वाटर कूलर के लिए किसी एक दानदाता द्वारा एक विशेष प्रकार का डोनेशन दिया गया है कि वाटर कूलर के लिए 50,000 रुपये वाटर कूलर के नाम से दिया गया, किसके लिए, वाटर कूलर के लिए, तो अपना क्या होगा, स्पेशल डोनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पेशल डोनेशन। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन संध्या होता है, ये क्या वर्ष भर में लगातार मिलता रहता है, छोटी छोटी राशि के रूप में मिलता रहता है, आयकर प्राप्ति के अंदर डालते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषता है, ठीक है, अब देखो विशेषता, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य सेवा करना, सर्विस प्रोवाइड, क्या करना, सर्विस प्रोवाइड करवाना, केवल सर्विस प्रोवाइड करवाना, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। खर्च कहां करती है, समूह के सदस्यों एवं समाज को सेवा प्रदान करने में, ठीक है, इसकी आय प्राप्त होती है चंदे के रूप में, दान के रूप में, प्रवेश शुल्क, सदस्यता शुल्क। अब देखो प्रवेश शुल्क एंड सदस्य शुल्क इस प्रकार के इंस्टीट्यूट के क्या है, प्रमुख मुख्य आय का स्रोत है, प्रवेश शुल्क एंड सदस्यता शुल्क, एडमिशन फीस एंड मेंबरशिप फीस, ये दोनों है ना, किसी भी संस्था के लिए, इस प्रकार की संस्थाओं के लिए क्या है, मुख्य आय का स्रोत है, ठीक है। लेखांकन, अब अकाउंटिंग कैसे करता है, ये सीधी सी बात है, संस्था है, संस्था है तो अकाउंटिंग तो करती होगी ना, आप अकाउंटिंग क्या क्या करेगी, ये बनाएगी प्राप्ति व भुगतान, फर्स्ट आय और व्यय, और तीसरा बनाएगी चिट्ठा, इसे बोलेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखो फर्स्ट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक पीरियड के अंदर क्या होता है, जितनी सारी इनकम प्राप्त, रिसिप्ट एंड पेमेंट होती है, उसका एक ब्यूरो बनाया जाएगा, और इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कहां कहां से इनकम प्राप्त हुई है और कहां कहां एक्सपेंसेस किया है, इसके द्वारा सरप्लस एंड डिफेक्ट, यानी कि सरप्लस और डिफेक्ट, जब इनकम ज्यादा होगी तो सरप्लस होगा, जब व्यय ज्यादा होगा तो डिफेक्ट होगा, इसके द्वारा निकाला जाएगा कैपिटल फंड, क्या निकाला जाएगा, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड निकालने के बाद बैलेंस शीट तैयार की जाएगी, क्या की जाएगी, बैलेंस शीट तैयार की जाएगी। इस प्रकार से गैर लाभकारी संस्था होती है, इस लक्ष्य के अंदर
अपने विशेषताओं के बारे में क्या सीखा हमने? उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होगा? सर्विस प्रोवाइड करवाना, खर्च, समूह के सदस्य, समाज के, सोसाइटीज के लोगों को क्या करना? सर्विस प्रोवाइड करवाना। इनकम चंदे के रूप में होती है, दान के रूप में, प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क, यानी प्रवेश शुल्क, एडमिशन फीस, मेंबरशिप फीस, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, लेखांकन, अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बनकर बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उससे हम क्या निकालेंगे? सरप्लस एंड डिफेक्ट निकालेंगे। जब लाभ होगा तो सरप्लस होगा और हानि होगा तो डिफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड निकालने के बाद क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइड्स।